VP01, आज फिर से आपने एक नई रेसिपी लेके आया हूँ, कोकोनट चटनी। साउथ इंडियन चटनी हम घर पे कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए, कितनी आसानी से हम घर पे चटनी बना सकते हैं इसको। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है फ्रेश कोकोनट की, ये मार्केट पे आसानी से मिल सकता है आपको कोकोनट रस। इसको दिखा सकता हूँ मैं आपकी रेसिपी क्या है इसकी, और उसके हिसाब से आप बना सकते हैं इसे। फर्स्ट हमें क्या डालना है इसमें, हरी मिर्च 1 से 2, हरा धनिया, हरा धनिया की जड़ हो सके तो अच्छा है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जड़ों का। उसके बाद डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता, आपके सरसों, जीरा होल, उसके बाद आपका हींग और 2 से 3 मिर्ची। ये आपको जो इसका तड़का लगेगा उस पर काम आएगा आपका, ये ठीक है। उस पर लगेगा आपका मिल्क 2 से 3 चम्मच, कोकोनट लगेगा आपका 100 ग्राम, सॉल्ट लगेगा और चना दाल लगेगा। ये तो इसकी रेसिपी होगी। अब इसे हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं वो दिखाते हैं हम आपको। फिर इस पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो 2 मिर्ची रखी थी हरी मिर्च, वो तो हमने इसे डाल दी। उसके बाद जो धनिया के जड़ रखे थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो चना दाल है, रोस्टेड चना दाल है ये, ठीक है, आसानी से आपको मार्केट में मिल सकती है रोस्टेड चना दाल, ये हमने डाल दिया। ये कोकोनट क्रश है, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल सकता है, हर मौसम आप इसे बना सकते हैं, घर पे ही बना सकते हैं आसानी से। 1 से 2 चम्मच मिल्क, आपका दूध 1 से 2 चम्मच दूध डाल दिया हमने इसमें, ठीक है। उसके बाद डालेंगे इसमें 1 से 2 चम्मच आपका नमक, ठीक है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम हल्का सा पानी जो इसे मिक्स करने में मदद करे, मिक्सी करने में मदद करे इसको, ठीक है। उसके बाद हम इसे मिक्सी करेंगे। ये तो हमारी कोकोनट चटनी देखो पीस के हमने रख दी है, देखो इस दरदरा टाइप का होना चाहिए, थोड़ा ना बारीक टाइप का, इस टाइप का होना चाहिए आपका चटनी का, ठीक है। अब इसमें लगेगा साउथ इंडियन तड़का। अब साउथ इंडियन तड़के में हम क्या क्या लगाएंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको, मसाले में क्या क्या डालते हैं। ये हमारा डिप ग्लास रेडी हो गया, ठीक है। अब हमें आप घर पे चाहे बॉल में रख सकते हैं, चाहे किस में रख सकते हैं, ये हम सर्व करने के लिए रखते हैं, डिप ग्लास में हम सर्व करेंगे इसे। फर्स्ट इसमें हम डालेंगे तेल, ठीक है, हमने 1 से 2 चम्मच तेल डाला इसमें। तेल को गर्म होने देते हैं, के लिए हम सबसे पहले डालेंगे होल जीरा, ठीक है। उसके बाद होल जीरे के बाद डालेंगे हम इसमें हींग स्वाद अनुसार, उसके बाद आपका सरसों होल, लाल मिर्च हम इसे तोड़ के डाल देंगे इसे, ये हल्के हाथों से हम इसे घुमाएंगे जब तक पकेगा, जब तक लाल नहीं होता तब। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। ये तो हमारा साउथ इंडियन तड़का रेडी है, ठीक है। हमने जो तड़का लगाया था साउथ इंडियन तड़का, इस तरीके से उसके ऊपर लगाना है, हमने ऊपर डालना है, कोई अंदर डालने की जरूरत नहीं है, ये तड़का हमने ऊपर फ्लेवर के लगा दिया। नहीं हो गई, अगर आपको कोई और रेसिपी सीखनी है, कोई नई रेसिपी सीखनी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, जितना हो सके मैं उस रेसिपी को बनाने की कोशिश करूँगा, आपकी कोई भी रेसिपी हो और उसे दिखाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से वो बनती है। ये होटल स्टाइल चटनी है कोकोनट चटनी, ये आप घर पर बना सकते हैं आसानी से। थैंक यू।